तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइडर यूपी 47 में। तो आज का सीन ये है कि हम 4 महीने से नेपाल नहीं गए हैं और आज मुझे नेपाल जाना है। नेपाल बॉर्डर जो है वो हमारे घर से करीब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और जाना भी ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान शरीफ 2-3 दिन के बाद में शुरू होने वाला है। कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ से लाना है, जैसे मसाला वगैरह जो होता है वो सारी चीज़। और दूसरा काम हमारा ये है कि हमारी जो पुरानी वाली बाइक थी वो बाइक मैंने एक बंदे के हाथ बेच दिया था, उससे स्टाम्प पर मैंने लिखवा लिया था। उसने कहा था चलिए ठीक है कुछ दिन के बाद में चलते हैं, गाड़ी को ट्रांसफ़र ले लेते हैं, लेकिन उस बंदे ने भी हमारी गाड़ी दूसरे हाथ में बेच दिया और जिसके हाथ में अब है वो बोल रहा है कि हम बाइक ट्रांसफ़र नहीं लेंगे। तो ये तो भाई परेशानी वाली बात है, खुदा ना खास्ता कहीं पर कुछ हो जाए या कोई बात कर दे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आज उसी सिलसिले में हम जाएंगे और उससे बात करेंगे, देखते हैं वो क्या कहता है, ट्रांसफ़र लेता है कि नहीं लेता है, जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे के बाद में मुझे फिर वापस आना है। तो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यह रास्ता बहुत ख़राब हुआ करता था लेकिन अब ये बन गया है। यहाँ से 500 मीटर की और दूरी बची है बॉर्डर, उसके बाद में हम फिर उस पार इंटर कर जाएंगे। अब हमें इसके नीचे से जाना पड़ेगा, ऊपर से रेलवे ट्रैक है और नीचे से रास्ता है, उसके बाद में हम अभी थोड़ी देर में उस पार इंटर कर लेंगे। तो दोस्तों बरसात के मौसम में यहाँ पर काफ़ी पानी भरा रहता है और आने जाने में भी दिक्कत होती है। इस गाँव को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर नेपाल बॉर्डर। ये नेपाल है इधर और अब हम इस पार आ गए तो ये है भारत, यानी ये है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर जहाँ पर हम खड़े हैं। और यहाँ का मतलब व्यू देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। गाड़ी बिक्री के करीब 8 महीने हो चुके हैं और भाई साहब का कारोबार देख लीजिए, काफ़ी लंबा चौड़ा फैलाए हुए हैं यहाँ पर के। देखिए कंबाइन, ट्रैक्टर और बाकी चीज़ें, मुर्गा फार्म सब कुछ इनके पास है, लेकिन फिर भी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं। तो हम चल रहे हैं कृष्णा नगर मार्केट में, थोड़ा सा वहाँ भी काम के सामान लेना है, बताया था मैंने लेने, उसके बाद में जो सोचा था वो नहीं हो पाया। और इसकी वजह यह है कि यार कृष्णा नगर जो मार्केट है, मार्केट का रोड बन रहा है, रास्ता पूरा एकदम से ब्लॉक था, तो मैंने जो ज़रूरी सामान थे वो मैंने सारा ले लिया है, मसाले वगैरह जो कुछ था। और उसके बाद में मुझे वहाँ से टी शर्ट भी लेना था क्योंकि रात में भी मैं T2 कॉम्प्लेक्स बलरामपुर में गया था टी शर्ट लेने के लिए, जो नहीं ले पाया क्योंकि हमारे समझ में आया ही नहीं। और उसके बाद में फिर सोचा कि चलो हम कल कृष्णा नगर में ले लेते हैं नेपाली। तो वहाँ जो रास्ता था मेन मार्केट का, उस रास्ते की वजह से वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, ना ले पाया मैं। उसके बाद में वहाँ से सामान लेकर मैं तुरंत आ ही रहा था, बॉर्डर पे मुझे 2 ऑफिसर मिल गए, तो उनको मैंने देखा तो हमने सोचा कि हो सकता है अभी मुझे चेक करेंगे कि मतलब क्या है क्या नहीं, क्या लिए हो क्या नहीं लिए हो। तो वहाँ पर जब हम रुके तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाएंगे, तो हमने कहा कि मैं पचपड़वा जाऊँगा, तो बोले कि मुझे भी लेते चलिए मलगैया तक। तो हमने कहा ठीक है सर बैठ लीजिए। पूछने लगे कि मतलब कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद में उनको वहाँ पर छोड़ दिया है और उसके बाद में अभी मैं जाऊँगा घर, या तो फिर मतलब पचपड़वा में ही रुककर ये जो सामान मैंने लिया है वो सामान रख देंगे। उसके बाद में फिर जाना है बलरामपुर, बलरामपुर भी काम है। तो आगे का जो भी वीडियो है वो सारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं फिर यहाँ से। फिलहाल के लिए हम घर चले आए थे तो पावर कम हो गया था फ़ोन में, तो हमने चार्ज पर लगा दिया और 1 घंटा लगा हुआ था, मैंने स्विच ऑन ही नहीं किया और ऐसे लगा हुआ था, मेरा मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पाया। तो दोस्तों टाइम हो गया है यहाँ से निकलने का, अब यहाँ से हम चलते हैं। देख सकते हैं हमारा पचपड़वा चौराहा है। तो दोस्तों शाम के 6 बजे हैं और हम जा रहे हैं बलरामपुर और देखते हैं वापसी कितनी बजे हमारी होती है, क्योंकि हमारा पूरा दिन का यही सब काम है जो हमने अपनी वीडियो में दिखाया आप लोगों को। रात के 9:30 बज रहे हैं और घर के कुछ जरूरी सामान ले रहे थे तो ये दुकान खुला हुआ था, तो हमने सोचा कि यहाँ पर अपना सामान ले ले उसके बाद। जब मन उदास हो और दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे
तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं शाम को 6 बजे निकला पचपड़वा से बलरामपुर के लिए। 10 किलोमीटर चलने के बाद में ये सारे ख्याल हमारे जहन में चलने लगे ऑटोमेटिक। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में हमें हो क्या गया है और क्या क्या मैं सोच रहा हूँ। भाई साहब, मुझे 60 किलोमीटर चलना था और मैं पूरा रास्ता बस इसी सोच में था कि अब हम क्या बताएं। डर लग रहा था कि कहीं पर आज कुछ हो ना जाए, कोई घटना ना घट जाए हमारे साथ, ये ख्याल हमारे जहन में आ रहा था। खैर, ये निगेटिव है, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है, बुरा सोचो तो बुरा ही होता है। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा हुआ। जब मैं बलरामपुर पहुंचा तो अपना फ़ोन निकाला और उसके बाद में हमने व्हाट्सएप मैसेज देखना शुरू किया। कुछ फ़ोटोज़ मेरे सामने आए और वो फ़ोटोज़ जो थे वो भाई साहब हमारे गांव का था। इतनी ख़तरनाक एक्सीडेंट कि हम क्या बताएं। कुछ लोग हमारे गांव के गए थे, बढ़नी उधर से आ रहे थे, क्या था क्या नहीं था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन फ़ोटोज़ पर जो लिखा था वो मैंने पढ़ा और देखा। काफ़ी गंभीर रूप से मतलब वो लोग चोटिल हो चुके हैं और बलरामपुर या कहीं मतलब लेकर गए उनको दिखाने के लिए। और जब मैं वो फ़ोटोज देखा उसके बाद में फिर हमारा एकदम से दिल दिमाग एकदम से शांत हो गया। यानी जो टेंशन थी वो टेंशन एकदम से ख़त्म हो गई। तो हमारे जहन में आया कि यार शायद यही चीज़ होना था और यही मुझे सुनना था, इसलिए ऐसा हमारा मन विचलित था। तो यार मैं कहूँगा भाई कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, बाइक से हैं या कार से हैं या मतलब किसी भी साधन से आप हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल मैंने रोडों पर देखा है इस तरह से मतलब गाड़ियां चलाते हैं भाई साहब कि एक दो जगह तो मैं खुद ही बच गया हूं। अगर ट्रक आ रही है, पीछे से कोई छोटी गाड़ी आ रही है, तो वो लोग ये नहीं सोचते कि आगे से कोई आ रहा है तो हम जगह मिले तब निकालें। इतनी खतरनाक ओवरटेकिंग करते हैं कि क्या बताएं हम। तो आप लोग थोड़ा भी ध्यान दीजिए गाड़ी जब चलाइए, ऐसा मतलब होता है, हमने देखा है कई बार। तो दोस्तों, मैं अपने घर पहुंच गया हूं, लगभग 10 बज रहे हैं। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी आज की तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए। घर हमारा थोड़ी दूर पर है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट थी, उजाला था, सन्नाटा था, इसलिए हमने सोचा कि अपनी बात यहीं पर पूरी कर लें, आप सबको बता दें जो जो आज हुआ हमारे साथ। और अगर घर जाते, घर पर अगर हम बोलते तो घर पर भाई साहब जानते हैं यार, लड़के बच्चे जो है वो मतलब चिल्लुहार शोर शराबा यही सब करते हैं, मैं वीडियो भी सही से नहीं सुन कर पाता हूँ। तो चलते हैं घर, उसके बाद में खाना पानी खाते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, थके हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये हमारी, ये देखिए गड्डी, धन्नो, ये है गड्डी हमारी।